गहराई दिल से रिश्ता जुड़ा। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माता पिता का, जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया जो आज इस मंच के माध्यम से मैं जो कुछ भी हूं मम्मी पापा के संस्कार के ही वजह से हूं। और मेरे गुरुजन, कहा जाता है कि अगर परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो गुरु पहले होना चाहिए तभी, और गुरु को भी परमात्मा का दर्जा दिया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे परमात्मा समान गुरु के लिए अभी तक की जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार जोरदार मैं जितना भी बोलूं कम है। मैं छोटी सी पंक्ति से गुरु के बारे में बताना चाहूंगा। जब श्री कृष्ण जी का पूरा जो नारायणी सेना थी दुर्योधन को जब चली गई थी और अर्जुन के पास में सिर्फ श्री कृष्ण जी थे, और उस समय में कृष्ण जी चुटकी लेते हुए यानी मजाक करते हुए अर्जुन जी से बोला कि अर्जुन जी तुम्हारी हार जो है वो पक्की है और तुम रहोगे हमेशा उदास, क्योंकि सारा जो मक्खन मक्खन है वो दुर्योधन ले गया और तुम्हारे पास बच गया सिर्फ छाछ। ये सुनकर के अर्जुन जी बोले जीत हमारी पक्की है और तुम्हारा सेवक जो है वो नहीं रहेगा उदास। भले ही मक्खन ले गया दुर्योधन, लेकिन मक्खन चोर तो है हमारे पास। थैंक यू। तो मक्खन चोर यानी श्री कृष्ण भगवान के समान हमारे गुरु जो कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं आज यहां मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूं कि श्री माधव सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम लोगों के मेंटर, हम लोगों के गुरु श्री परशुराम सर भी आज आ गए। मैं चाहता हूं कि परशुराम सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज हमारे गुरु लोग यहां मौजूद हैं, श्री दीपक कुमार शर्मा जी, श्री ब्रिजभूषण यादव सर, श्री घनश्याम सर, श्री रविकांत राय सर, श्री पन्नेलाल यादव सर और श्री जेपी यादव सर। मैं चाहता हूं कि इन सभी गुरुओं के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सर। मैं रविकांत राय सर से एक चीज सीखा हूं कि सर मुझे काफी बताते थे लेकिन शुरुआत में मैं जल्दी ज्वाइन नहीं होता था और थोड़ा निगेटिव विषय में लगा रहता था, और मैंने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया निगेटिव होते हुए भी तो उसी दिन से मुझे एक ज्ञान हो गया और मैं ही काम कर रहा था इस बिजनेस में और आज एमरल्ड लेवल पर भी हूँ। तो मुझे ये ज्ञान हो गया कि जो आदमी बहुत ज्यादा निगेटिव होता है वही आदमी इस बिजनेस में ज्वाइन भी होता है और अच्छा से काम भी करता है। जिस भी दिन मुझे निगेटिव आदमी मिला मैं एक्चुअली में बहुत खुश हो जाता था कि यही वो व्यक्ति है जो काम भी करेगा और यही व्यक्ति है जो डायमंड भी बनेगा। तो निगेटिव व्यक्ति पे कोई भी मिलता था तो मुझे दिल से खुशी होती है। ऐसे आपको भी जब मिलता है तो आप खुश हो जाइए, मिला है और डायमंड बनेगा। थैंक यू। मैं अपने दिल्ली में कैसे मैं काम किया थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। आपने बांसुरी वाले को देखा है, बांसुरी वाला जो है वो बांसुरी बजाता है और आसपास के जो बच्चे होते हैं जो लोग होते हैं बांसुरी वाले बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं उसको देख करके बांसुरी को ले लेते हैं। एक दिन बजाते हैं बांसुरी वाला जैसा नहीं बजा पाते हैं, दूसरे दिन बजाते हैं बांसुरी वाला जैसा सुरीली आवाज में गाना नहीं बजा पाते हैं, तीसरा दिन बजाते हैं नहीं बजता है, चौथा दिन बजाते हैं नहीं बजता है, लेकिन अंत में वो क्या सोचते हैं कि बांसुरी में ही कोई खराबी है नहीं तो अभी तक बज गई होती, और वो एक दिन क्या होता है बांसुरी को फेंक देते हैं। आप बताइए बांसुरी की गलती है या उस आदमी की गलती है? बांसुरी वही थी दोस्त,
आप जानना चाहेंगे जो बांसुरी ऑलरेडी बजा रहा था वो क्यों इतनी सुरीली आवाज में बजा रहा था, और जो व्यक्ति फेंक दिया वो क्यों नहीं बजा पाया, आप जानना चाहेंगे? यही सफलता का राज है इस बिजनेस में, और मेरे जीवन में यही हुआ कि जो बांसुरी शुरुआत किया था बजाना, एक दिन दो दिन बजाया, तीन दिन बजाया, चार दिन बजाया और फेंक दिया, उसके पास में और ऑप्शन था उसका रोजी रोटी का, उसके पास में बांसुरी नहीं बजाता, बांसुरी को फेंक देता चारपाई के अंदर भी, फिर भी उसके पास में अन्य रास्ते थे खाने के लिए, कई जगह से उसे खाना मिल जाता, लेकिन उस बांसुरी बजाने के पीछे में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था दोस्त कि वो उसको बांसुरी अगर नहीं बजाएगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा पेट के लिए, और जिस आदमी को ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि बिना बजाए खाना नहीं मिलेगा, आप बताओ वो बांसुरी एक दिन दो दिन तीन दिन बजाने से रुकेगा? रुकेगा क्या? तो वो आदमी जिसका रास्ता सारा बंद है, उसी रास्ते से जब खाना आएगा, बजाने से जब खाना आएगा तो वो आदमी बांसुरी को बजाएगा। मेरे ही साथ में जब मैं सरकारी नौकरी सीएसएफ की नौकरी जब मैं छोड़कर गया था तो मेरे भी सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इनकम का सोर्स बंद हो चुका था, और मैं अगर बांसुरी नहीं बजाता दोस्त, एक दिन बजाता तो क्या नहीं बजता तो क्या मैं छोड़ देता? नहीं। दो दिन बजाता छोड़ देता? नहीं। मैंने एक साल बजाया, आज दो साल हो गए हैं, एमरल्ड लेवल पे मैं पहुंच गया हूं, तो मैं बांसुरी बजाने से कहीं नहीं रुका, और आज 300 के टीम पे नौकरी छोड़कर गया था, आज 3000 का टीम हो गया दोस्त, 3000 का टीम हो गया, 3000। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लोगों के पास नौकरी होता है कोई और जरिया जरिया होता है, इसीलिए वो लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे करते हैं, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा नहीं रहता है, जिसका यही एक सेफ ऑफ एक सिंगल वे ऑफ इनकम रहता है, वो आदमी मेहनत करेगा, सिर्फ इसी को मेहनत करेगा, और जिस भी आदमी ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि सेफ ऑफ आने वाले समय में वो करेगा, वो आदमी इस बिजनेस में बहुत जल्दी सफल होगा। ये अभी तक का मेरा कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है। मैं चाहूंगा कि इतना अच्छा बांसुरी बजाने का सिखाने के लिए और बांसुरी देने के लिए सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां सब लोगों के लिए, सब लोगों की देन है। थैंक यू दोस्तों। मैंने उस दिन भी जब मैं गांव में रहता था वहां का भी एक एग्जांपल मैंने देखा कि जिससे मैं सफल हो रहा हूं। मेरे पास में एक भैंस थी, और जब कभी भी मैं गांव में जाता था भैंस के पास में, तो मैं कभी कोशिश करता था उस भैंस को दूहने का, लेकिन उस भैंस से मैं एक बूंद भी दूध नहीं निकाल पाता था। वही मेरी मम्मी थी जो थोड़ा थोड़ा सा भैंस का दूध निकालना जानती थी, एक बाल्टी था उसमें आधा बाल्टी भी नहीं निकाल पाती थी दूध को, भैंस वही था। और वही मेरे सबसे बड़े वाले भैया थे, वो काफी दिन से भैंस निकाल रहे थे, उनको काफी एक्सपीरियंस था भैंस निकालने का। आप बताओ भैंस एक ही थी? यस और नो? भैंस एक थी। मैं सीखा नहीं था तो मैं एक भी बूंद दूध नहीं निकाल पा रहा था, वहीं मेरी मम्मी थोड़ी सी सीखी थी तो थोड़ा सा दूध निकाल रही थी, और मैंने देखा कि वहीं मेरे भैया पूरा सीखे थे तो पूरा का पूरा बाल्टी भर रहे थे। आप बताओ भैंस की गलती थी क्या? ऐसे ही सेफ सौ रुपये नामक भैंस एक ही है दोस्त, जो आदमी सीख लिया, कोई आदमी नहीं सीखता है तो 1-2 हजार तक निकालता है, कोई आदमी थोड़ा सा सीख लिया तो 1-2 लाख कमाता है महीने का, और जो आदमी थोड़ा ज्यादा सीख लेता है, अच्छे से सीख लेता है, वो आदमी इस बिजनेस के माध्यम से 8 लाख रुपया भी निकाल रहा है। दोस्तों जब मैं नौकरी छोड़ करके आया था तो मेरे गांव से काफी विरोध आता था कि नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने देखा था बहुत सारे लोगों को नौकरी छोड़ते हुए और सफल होते हुए, मैंने भी दृढ़ निश्चय लिया। दोस्तों उस समय लोग विरोध करते थे, और एक वो भी दिन था जब मैं इसी बिजनेस के माध्यम से 1-1.5 लाख कमाने लगा महीने का, तो उसी समय में गांव का वही लोग जो पहले विरोध करते थे वही लोग फिर मुझे फोन करते थे कि भाई हमारा एक बच्चा है और आप ही इसे ले जाते वहीं पे दिल्ली में तो इसका भी कुछ भला हो जाता। तो मैंने लोगों को भी देखा था, लोग जो है आपको दबाना भी चाहेंगे लेकिन जब आप सफल होंगे तो वही लोग आपको उठाना भी चाहेंगे। यस और नो? तो कोई भी कुछ बोले मैंने, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, और आज आपके सामने मैं मंच के माध्यम से शेर की माफिक दहाड़ रहा हूँ, आप ही के सामने दहाड़ रहा हूँ। और मैं एक छोटी सी कहानी सुना था मोहम्मद अली जी का। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है टेक्निक वाला आदमी जो सिर्फ टेक्निक से काम करता है, और एक आदमी और होता है जो टेक्निक से भी काम करता है और उसके अंदर जुनून भी होता है। मोहम्मद अली बॉक्सर थे, बहुत जबरदस्त बॉक्सर थे, उनके सामने टेक्निक वाला आदमी था, सिर्फ टेक्निक वाला, और इनमें क्या था, टेक्निक भी भरा था और जुनून भी भरा था।
जब लड़ाई होती थी दोनों की बॉक्सिंग होती थी तो इनको कई बार टेक्निकल आदमी मार देता था, लेकिन मार खाने के बाद भी कभी गिर जाते थे तो एक अंदर से आवाज आती थी जुनून वाली कि एक बार और। फिर जब लड़ाई करता था कुछ उसको मारता था कुछ वो मारता था और टेक्निक में भारी पड़ता था, फिर कभी गिरता था मोहम्मद अली और गिरने के बाद में क्या बोलता था, एक बार और। तीसरी बार गिरा, एक बार और। चौथी बार गिरा, एक बार और। पांचवी बार गिरा, एक बार और। छठवीं बार गिरा, एक बार और। और एक बार और करते हुए लास्ट में जीत जो है मोहम्मद अली की होती है। मोहम्मद अली लास्ट में जीतता है और टेक्निक वाला आदमी हार जाता है। दोस्तों टेक्निक वाला थैंक यू। दोस्तों आज की समय कम है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरा कमिटमेंट है 12 अगस्त जो मेरा जन्मदिन है उस दिन मैं रूबी बन करके मंच पे आऊंगा। और थैंक यू। और 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होती है उस दिन मैं आप लोग के सामने डायमंड मंडी आऊंगा। डायमंड लाइनों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, अभी तो ये शुरुआत है। कई जीत अभी बाकी है, कई हार अभी बाकी है। अभी तो मेरी पूरी जिंदगी का पूरा साल बाकी है, अभी तो चलना शुरुआत की है जिंदगी की ओर। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है दोस्तों, पूरा किताब। इसी वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश यू द बेस्ट एंड गो डायमंड।